राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर की SFI इकाई ने मांगों को लेकर कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद छात्र मांगों को लेकर 24 घंटे की हड़ताल पर बैठ गए। छात्रों ने कॉलेज गेट पर मुख्य मांगों को लेकर नारेबाजी की। धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान आदेश कुमार ने की। छात्रों ने राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में रिक्त चल रहे प्राध्यापकों एवं अन्य स्टाफ के पदों को भरने की मांग की। कॉलेज कैंपस में बस पास काउंटर खोलने, वी वॉक में हुए घोटाले की निष्पक्ष जांच करने, कॉलेज शौचालय की नियमित सफाई करवाने, बाल और छात्रा आवास में खाने की गुणवत्ता सुधारने, कॉलेज भवन के टूटे हुए कमरे की मरम्मत करने, कैंटीन में रेट लिस्ट लगाने व खाने की गुणवत्ता सुधारने की मांग की गई। इन मांगों को लेकर प्रधानाचार्य को ज्ञापन भी सौंपा गया। छात्रों का कहना है कि अगर एक सप्ताह के भीतर ये मांगें पूरी नहीं होती है तो संगठन उग्र प्रदर्शन करेगा। इस मौके पर इकाई अध्यक्ष संतोष, सचिव रजत, राज्य उपाध्यक्ष संजीव सेठी, संतोष अभिनंदन, अभिषेक, नेहा, अंकिता, मोहित, शुभम, सुमित राठौर आदि मौजूद रहे। मुख्य मकसद ये था कि जो कॉलेज के छात्र कुछ मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए हम एक हड़ताल पे 24 घंटे की हड़ताल पे बैठ रहे हैं, जिनमें कुछ मुख्य मांगे थी जो कॉलेज में प्रोफेसरों के रिक्त पद हैं उनको भरा जाए, हॉस्टल में जो खाने की गुणवत्ता है उसको बढ़ाई जाए और कैंटीन में रेट लिस्ट वगैरह लगाई जाए और खाने के खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। इसमें जो मेन मांगे हैं बस जैसे बस पास काउंटर कॉलेज में खोला जाए और जो बीवॉक के ओडीटी हुई चंडीगढ़ में हुई थी उसमें जो घोटाला हुआ है उसको उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और हम उम्मीद करते हैं कि कॉलेज प्रशासन इसके लिए कोई ना कोई कदम उठाएगा और इसकी जांच करेंगे और अगर कॉलेज वाले इसके लिए रिगार्डिंग कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो SFI का उग्र आंदोलन करेगी जिसका खामियाजा कॉलेज प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। हड़ताल पे बैठेंगे तो कल जिस टाइम आज हड़ताल पे बैठ रहे हैं उसी टाइम कल उठेंगे 24 घंटे की और एक हफ्ते का टाइम देंगे कॉलेज प्रशासन को कि हमारी इन मांगों को पूरा किया जाए और एक हफ्ते के बाद अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो उसके बाद हम क्रमिक हड़ताल पे बैठेंगे।